तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आप सोच रहे होंगे ये इंट्रो चेंज कैसे हो गया। इंट्रो चेंज नहीं होगा गाइस, अपना इंट्रो चलाते हैं। 3 2 1 व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम दोबारा से देखने वाले हैं या फिर कह सकते हैं रिएक्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो पर, जो कि है आपने पहले इंट्रो देख कर समझ ली गए होंगे। हाँ जी हाँ गाइस, कैरी मनाटी की वीडियो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बिग बॉस तक जा सकते हैं। पाव नहीं, बकचोदी का यंत्र है, कलेश की किलकारी है। सही कहा गाइस, बिग बॉस बचाने की चाबी है ये। आजकल बाथरूम में फोटो लगी रहती है इसकी, देख के हिलाते हैं फूड ब्लॉग। और इस महाशक्ति को सिर्फ एक महिला कंट्रोल करती है, बड़ा पाव गर्ल। कभी इनके बच्चे ऐसे करते, कभी भी पहला खेला देख रहा हूँ जहाँ बड़ा पाव के साथ रंडी रोनो कॉम। गाइस क्या चल रहा है गाइस, ये सप्लीमेंट्री मिल रहा है। 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ, नींद की गोलियां खाई थी, काम नहीं करी, गैस और बन गई। ले चूते तेरे चार वाला पाव। बेचारा बच्चा गाइस, बेचारा बच्चा पैसे दे रहा पर अभी तक उसे बड़ा पाव नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चा भूखा मार दिया, लेकिन दीदी के माइक लग रहे हैं, कैमरा लग रहे हैं, फुटेज देना ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या गजब दुनिया यार, पाव बने ना बने, बड़ा तले ना तले, चटनी लगे ना लगे। गाइस ये बात बहुत बेकार चल रही है गाइस, बड़ा अपने कंटेंट के चक्कर में दूसरे को कुछ नहीं दे पाए, पैसे दे रहे हैं तब भी नहीं खिला रहे उन्हें, तो बुरी बात है गाइस। बिना लौड़ा लहसुन के बड़ा पाव नहीं। गाइस ये क्या था गाइस ये? तो आओ यार सड़क पे इलीगली ठेला लगा के शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नहीं भाई, इतना चार पैक कैसे करूं भाई, मैं हाथ में दे रही हूं, ठेली दे रही हूं, ये लो। ये गैर वालों, ये पहले ठेले वाली है जिसके कस्टमर पैसों के साथ दिलासा भी देते हैं। मत रो दीदी, कुछ नहीं है। गाइस एक बात और कहता हूं गाइस, गाइस आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दी होगी गाइस, मेरा जो रेगुलर कैमरा है थोड़ा खराब हो चुका है, इसी वजह गाइस मुझे दूसरा कैमरा यूज करना पड़ रहा है। टेम्परेरी कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए गाइस, जब तक ठीक नहीं होता जब तक यही यूज कर पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं वीडियो देखते हैं दोबारा। आप चलो रुको मैं। और कस्टमर्स को बदले में क्या मिलता है, ले लोड़ू पैक कर ले, काम का बड़ा पाव भी हमें बना लेते हैं, तो सड़क पे बैठ जा। तो बस छो गई सड़क पे बैठ गई है तो मां चुदाई टाइपराइटर की नौकरी मैं भी ठेला खोलूंगा। क्या गाइस आप सबको भी ठेला खोलना है? ये देख लो बिग बॉस सड़क छाप एडिशन, क्योंकि इतने कलेश के बीच में भी माइक नहीं उतर रहा है। और ये छाती कौन पीट रहा है? अरे औरतों के कलेश से दूर रहो भैया, दूर रहो, ये जब आटा गूंथती होगी पाउडर बन जाता होगा। अब एक नॉर्मल वड़ा पाव 10 से 20 रुपए का आता है, लेकिन दीदी 50 रुपए का बेचती है, क्यों? टाके लगे हुए मुंह में। बड़ा पाव का ले क्या लेने देना, टाके लगे हुए हैं, कुछ भी लगे हुए, पर बड़ा पाव से क्या लेने देना इससे। क्या है, टाके मुंह में लग रहे हैं, तकलीफ खड़े होने में हो रही है। चूचा चूचा, सारी सिंपति चूचा। कस्टमर की प्लेट में गाढ़ी चटनी होती है, रो रो के पतली हो जाती है और फिर एकदम से हिट होता है। बहनचोद मैं तो वड़ा पाव खाने आया, तभी तो वड़ा पाव के 50 रुपए है, लेकिन दीदी का मानना है 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली की? कोई ओवर प्राइस चीज बेच के अमीर थोड़ी हो सकता है। ना 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 ना, ना। दीदी तो गरीब है, गरीबों में गरीब है, महागरीब। अगर यकीन नहीं होता तो बेचारे की हालत देख लो। कई मस्टैंग में दीदी, क्या दीदी थी तो गरीब थी मस्टैंग में था भाई। दीदी की गरीब गाड़ी, दीदी का गरीब आईफोन, दीदी के गरीब कपड़े और पर्स, और ये सारी गरीब चीजें वड़ा पाव बेच के। गाइस दीदी कहीं से भी गरीब नहीं लग रही, नहीं अमीर लग रही है थोड़ी ली है, वो तो बस एक फैमिली बिजनेस है चूतिया काटने का। तू एक बात बताओ, आप लोग मेरी वीडियो बना के जाते हो, इनको व्यूज मिलते हैं, इनको YouTube पैसा देता है, मेरा क्या फायदा? हरकतें चाहे ठेले वाली हो, एटीट्यूड 5 स्टार के शेफ वाला होना चाहिए, लेकिन सही बात है यार, क्या फायदा? गाइस इसके तो फैन बन गए। अरे क्या बात है सेलिब्रिटी, कस्टमर के साथ फोटो खिंचवा रही है, कस्टमर के कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रही है, लेकिन मेरा क्या फायदा? मेरा क्या फायदा है इतना बतियाती है, इसका पति भी परेशान हो रखा है। आज मेरी वजह से इतने लोग हैं।
गाइस बेचारे पति के लिए लाइक कर दीजिए गाइस। पास भीड़ लगी हुई है, दो वड़ा पाव नहीं बेचे। कसम बेरोजगार मर्दों की पैसा ना कमा रही होती तलाक दे देता। अब आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर बनता है कंटेंट डाले ना डाले ये जरूर बताता है कि मैंने स्ट्रगल कितना किया है। तू थेली बेचती थी, बारिश होती थी, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। ओए बस पगली रुलाएगी क्या, इतना तो मैं बॉबी की एनिमल देख के नहीं रोया। अब एक बार ये देख लो, दो साल पहले भी मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन जॉब थी। आज भी वेट 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 गाइस, अभी तो कुछ और बोल रही थी, एकदम से वक्त बदल दिया इसने तो। तनी गाइस दीदी के हॉर्मोन्स है, जैसा मूड वैसी कहानी। तो कुल मिला के दीदी से ज्यादा स्ट्रगल टाइगर श्रॉफ की दाढ़ी ने किया, दीदी से ज्यादा स्ट्रगल वो पुणे के बिल्डर के बच्चे ने किया था ऐसे लिखने में, और दीदी से ज्यादा स्ट्रगल दीदी के कस्टमर की गांड करती है जब सुबह सुबह वो 50 रुपए का बड़ा पाव निकालना होता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ी हुई, वरना कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही, बात खत्म हो जाती। लेके खड़े उन्हें सीन पे छोड़ रखा है, क्योंकि कस्टमर तो झटके बालों की तरह है, एक निकलता है दो और आ जाते हैं। और अगर तुम्हें एटीट्यूड नहीं पसंद तो दीदी के ठेले पे लिखा हुआ है माय लाइफ माय वड़ा पाव, खाना तो खा वरना मां जुदा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही। अरे ठेले वालों की माधुरी दीक्षित, बोलना बंद करेगी तभी तो सांस आएगी। कसम से मैं इसके ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ और पहले पेज पे ये लाइनें लिखी होंगी, दीदी को अपना पति तभी हॉट लगता है जब वो ठेला खींच रहा। दीदी के कस्टमर हस्त मैथुन की जगह दस्त मैथुन करते हैं। दीदी की ईमेल आईडी है नहीं दूंगी lodapav@bakchodi.com। गाइस 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 गाइस, अब तुमने कभी किसी भैंसे और ऊंट के बछड़े को लड़ते हुए देखा है? गाइस ये क्या हो गया, लड़ाई चली गई क्या? तो दिल्ली का सबसे टॉप मनोरंजन औरतों का कलेश। अभी तो गाइस ये और दीदी, यही दीदी शुरू में मतलब छाती पीट रही थी, लड़ाई इतना गाइस स्क्रिप्टेड। अबे लड़ रहे हो नाच रहे हो? ये किसका हाथ है जो इतना परफेक्टली सेंसर मार रहा है? एक ऐसा हाथ तो मुझे भी चाहिए। अब गुदाई के बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने दीदी को गाड़ी में भर लिया। किस लॉ के तहत आपने यहाँ ये काम करवाया? गाइस दीदी तो मतलब पुलिस की गाड़ी से ही लाइव जा रही है, कितनी अजीब बात है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। अरे बड़ा पाव गल पाव भरते जत रख ले, पुलिस की गाड़ी में लाइव कौन जाता है? गांड मरा गिरफ्तारी, फॉलोअर्स की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए। अब दीदी को समझ आ गया ठेला आ चुका है खतरे में, अब निकाल लो अपने पत्ते। सबसे पहला है वुमन कार्ड। लड़कियां अगर कार्ड लगा के खड़ी है ना तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे ठेला लीगल हो या इलीगल। गाइस ऐसा सपोर्ट तो फिर क्या कर सकते हैं गाइस, जब तक लीगल नहीं तो लीगल चीज को सपोर्ट किया क्या करना। सपोर्ट करो यार, क्योंकि वो एक नारी है, बढ़ते भारत की किलकारी है, और तुम एक चूतिया लड़के हो, दो कौड़ी के टट्टे हो। दीदी का दूसरा पत्ता है फैमिली कार्ड। मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरी माँ को आराम देना चाहती हूँ। रुला दिया यार माँ। अच्छा ये जो वेट 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 गाइस, क्या ये इसकी माँ है? कितनी ज्यादा गाइस बुरी है ये। अभी तो कह रही थी गाइस अपनी माँ को थोड़ा सा आराम दे, ये तो बड़ा इससे ही काम करा रही है, अपनी माँ से काम करा रही है। ये मेरी माता है, इतना आराम कर रही है माँ। सड़क पे चूल्हा लगा के सामने बिठा रखा माँ को, क्या लग्जरी है। और दीदी सामने खड़े होकर सेल्फियां खिंचवा रही हैं, क्या मजदूरी है। अब दीदी का तीसरा पत्ता, ए ये तो सबसे कॉमन है, विक्टिम कार्ड। ये मेरा उंगलियों के निशान मरने में कहाँ, ये दिख नहीं रहे कहाँ है, ये देखो गठानी बन रही है कहाँ है, ये देखो गाइस मेरे नक्कल पे चुदानी बनी हुई है। गाइस कह रही वो निकाली होता है, हार्ट पेशेंट तो इसके कस्टमर है जो इतना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। अब हर इन्फ्लुएंसर की तरह दीदी का भी कहना है मुझे पैसों से नहीं मतलब, बस मुझे वही सपोर्ट चाहिए। अच्छा टूट जाएगा, लेकिन मैं सुनने में आया कि बिग बॉस में भी एंट्री होने वाली है आपकी। नहीं भाई विनर तक लास्ट तक देखना चाहती हूँ। पहुंच गए हेडक्वार्टर्स, बिग बॉस इनका T20 वर्ल्ड कप है, सालों बकचोदी करनी पड़ती है तब आता बुलावा, मुझे भी चले जाना चाहिए यार। क्या क्या कह रही है बिग बॉस, मैं जा रहा हूँ क्या? ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं अपनी बिग बॉस इंट्रो प्रमोट कर सकूं। आजी लंड मेरा, अब ठेले को अपाहिज कर। गाइस कह रही हूँ सेवेज है तो टपरी बन जाती है, और एक टपरी वाला बड़ा फैल रहा है डॉली चाय वाला। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता? रोज रॉयल रोज रॉयल रॉयल रंबल गाड़ी नहीं पता कौन सी है, इसे लंड नहीं पता क्या हुआ। अभी ये सोच रहा है ये गाड़ी में से चिमटा क्यों निकल रहा है, लोग को लग रहा है चाय बेच के रोज रॉयल ले ली इसने। मारुति 800 का टायर नहीं है इस पे, एक नॉर्मल चाय वाला गरीब होता है, ये बस मशहूर गरीब है, और जो लोग सही में अमीर है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी चीजें प्रमोट करवा रहे हैं, दुबई ही बुला लिया इसे। डॉली भाई ने चाय से स्टार्ट किया और आज दुबई की सबसे महंगी जगह में खड़े, घास में खड़ा करवा रखा पब्लिक।
प्लेस है। अरे शेख के टॉप कहीं रूफटॉप पे तो ले जाते, खुद की गरीबी छुपाई नहीं जा रही है, दूसरों को अमीर दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा कोई मुर्गी रेगिस्तान में खो गई है। ये शख्स सक्सेसफुल है नहीं, लोगों ने जबरदस्ती बना रखा है, ऐसी वीडियो बना रहे हैं। टॉली पहले चाय बेचता था और अब क्या अभी भी चाय ही बना रहा है। हम कौन है छपरी, हम क्या कर सकते हैं? चाय बेच सकते हैं। लाख रुपया जमाना, मुझे गम नहीं। कमाल की बात है, दिखता भी चाय पत्ती जैसा है। कुछ लोग हैं जो बुराई भी मेरी करते हैं और बनना भी मेरी तरह चाहते हैं। लोग कौन है? इस बकरी के पिसाच की तरह कौन बनना चाह रहा है? मोदी जी की स्ट्रगल स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी बना रखा है। नाकामयाबी का चपड़ता है अंधेरा। अरे मेरा गाना क्यों लगा रखा है? बट गाइस शुरू को अजीब सा लग रहा था यार, ये मेरी नाकामयाबी का अंधेरा है। अब इसकी जिंदगी तब बदली जब इसने बिल गेट्स को चाय पिलाई। आज की एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं जहां बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। हाय गाइस, कैरी भाई तो बिल गेट्स बन गए। गाइस बोल हियर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी बीवी ने मुझसे ब्रेकअप कर ले क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसलिए मैं इंडिया आया हूँ अपना माइक्रो हार्ट करने। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। वन चाय प्लीज। एक सेकेंड सर। गाइस ये तो पूरा भाई है। गाइस इसने चाय गरम गरम चाय इसके ऊपर डाल दी। बेचारा बेचारे कैरी भाई, नहीं कैरी भाई नहीं बोलेंगे, बेचारे बिल गेट्स, उनके ऊपर गरम गरम चाय फेंक दी इसने। तो गलती होगी बाबू, पांच बार और ट्राई करूंगा तो हो जाएगा। सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं भी अपनी बीवी को यही बोलते थे, उमर उमर की बैठे खैर मैं छपरे आने में टाइम लगेगा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है? ये गाइस बिल गेट्स तक को उसने छपरी बना दिया। ये भी तुम्हारे आउटफिट का पार्ट है? एक्सक्यूज मी, ये आउटफिट का पार्ट नहीं है, डोली का स्टाइल है। वाओ, क्या कहते स्टाइल को? छपरी काम छपरी है। गाइस सिस्टम बन रहा है। वाओ, मे बी ट्राई करूं? अरे डरो मत ना, प्याज से चाटो, मैं बताता हूँ। रुको ये देखो गाइस क्या चल रहा है, क्या चल रहा है गाइस? हो रहा हो रहा ना, वाह वाह। सुट्टा पीता है कभी कभी? कौन सी चौथी? अरे भाव, अरे लो ना भाव, अरे मुंह में लो ना भाव। तुमने क्या चल रहा है? ये तो असल में कोई पुराने दोस्त मिल गए हो आपस में। पाया नहीं गाइस, इसने ब्रिगेड्स का शरीर जला दिया। ए बेचोट, फक बेचोट, साला बिल गेट्स पैंट के निकले थे। Jeff Bezos बन ना दिया। गाइस इसे जेफ बेजोस बन गए। ए बस और बच्चों जी नहीं, आराम से दो। रुको। वेट कौन सी प्लेट? वेट, ये कौन सी प्लेट है? विंडोज 11 की प्लेट गाइस, 69 बिट, मेरे 64 बिट है गाइस। आराम से भाव, गरम प्लेट बहुत बढ़िया है, ऐसी प्लेट सभी को मिले। अच्छे ही, अच्छे ही। थैंक्स। सेल्फी?
आ गए मजे? बस यार बस बहुत ठेले टपरी देख रहे, अब 10 दिन तक तो सड़क पे नहीं निकलूंगा मैं। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो गाइस? सफेद वाला बटन है उस पे चाय फेंक के मारो या फिर वड़ा पाव, मुझे नहीं। गाइस आप भी जाकर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइस ऐसी और मजेदार वीडियो के साथ। बाय।